इतिहास रचा है। ये नाचने वाली झांसी वाली की रानी के दर्जा दे रहे हो, इसके लिए तो माफ करो, मीडिया वालों से भी मैं बोलती हूँ कि झांसी नाचने गाने वालों को झांसी की रानी का दर्जा ना दो। इनकी जो दर्जा है, इनकी कंगना रनौत की औकात, कंगना रनौत की औकात उसने दिखा दिया थप्पड़ मार के कि तुम्हारी औकात यही है। मतलब आप हिंसा को भड़काएंगे। ये नंगे नाच के उस लड़की ने जो वर्दी लिया था ना, कंगना रनौत जैसी नंगे पुंगे छोटे फुटे कपड़े पहन के नाच के सबको आकर्षित करके पोस्ट नहीं ली है, उसने मेहनत से ली है, सांसद जीती हैं। किसानों, अरे मर जाओ भाजपा वालों, अंधभक्तों, सारा मानी चाहिए, तुम्हें जाके डूब के मर जाना चाहिए। चाहे देश का प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है कि जिस प्रधानमंत्री को शर्म नाम की चीज नहीं है कि हमारे देश की बहन बेटी नंगी घुमाई जा रही है। मोदी जी पनौती है, पनौती थे, पनौती है देश के लिए, पनौती है। जब से ये देश में आए फौजी मारे गए, ये बस पे हमला हुआ, लड़कियों का रेप होता है, 3 बजे रात को जलाया जाता है, हमारी देश की बहन बेटी नंगे घुमाई जाती हैं, तो ये पनौती तो है ही, क्या है, पनौती ही है। लेकिन इनके अंधभक्त जो हैं, इनकी अंधभक्ति करते हैं, अंधभक्त ही इनकी अंधभक्ति करते हैं, बाकी पूरा देश जागरूक हो चुका है। अब उनके समझ में आ गया है कि इस पनौती को कह रहे हैं वोट ना दो तो हम गद्दार हैं। हाँ, आप भी आते हैं उसमें। अगर भाजपा को हमने वोट नहीं दिया तो हम गद्दार हैं। और भाजपा को वोट देके अपनी बहन बेटी का रेप करवाएं, भाजपा के एमपी एमएलए को होटल में बहन बेटी बुलाई जाएं, रेप करके 3 बजे रात को जलाई जाएं, नंगी घुमाई जाएं, तब हम इस देश के वफादार हैं। और दूसरे को वोट दे दें, हमारी बहन बेटी का सम्मान हो, उनको बिजनेस मिले, नौकरी मिले, वहाँ हम गद्दार हैं, तो हम गद्दार ही सही। हाँ, अगर हम बहन बेटी का सम्मान देते हैं, जगत गुरु कह रहे हैं मंथना की औलाद है सारे अयोध्या में, वो जगत गुरु ऐसा क्या किए हैं कि जो जगत गुरु बने हैं भाई, बेईमान आदमी, अहंकार आदमी। देखिए, जो शंकराचार्य थे उन्होंने बोला था कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा किए थे तो उन्होंने बोला था कि अभी प्राण प्रतिष्ठा भगवान की नहीं होनी चाहिए। मोदी जी अहंकारी आदमी, वो किसी के नहीं सुने, जाके प्राण प्रतिष्ठा किए तो भगवान ने उनको जवाब दे दिया कि आज उनको बैसाखी की जरूरत है। अशुभ हो गया क्या? पहले ही बोल दिया गया था कि अशुभ कर रहे हैं ये अपने इलेक्शन के चक्कर में। खंडित मंदिर को, जहाँ पूरा मंदिर नहीं बना हुआ है, वहाँ मूर्ति की स्थापना करवा रहे हैं। आचार्य जी शंकराचार्य बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, मोदी अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं, उसका सबक भगवान ने दे दिया, तब कौन सी दिक्कत है भाई। क्या लग रहा है, क्या मोदी जी पनौती? एक बार राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन आपने देखा होगा शपथ के बाद तुरंत हमला हो गया एक बस पर जम्मू में। मोदी जी पनौती हैं, पनौती थे, पनौती हैं देश के लिए, पनौती हैं। जब से ये देश में आए फौजी मारे गए, ये बस पे हमला हुआ, लड़कियों का रेप होता है, 3 बजे रात को जलाया जाता है, हमारी देश की बहन बेटी नंगे घुमाई जाती हैं, तो ये पनौती तो है ही है, क्या है, पनौती ही है। लेकिन इनके अंधभक्त जो हैं, इनकी अंधभक्ति करते हैं, अंधभक्त ही इनकी अंधभक्ति करते हैं, बाकी पूरा देश जागरूक हो चुका है। अब उनके समझ में आ गया है कि इस पनौती को कह रहे सत्ता से बाहर करना। काम अभी रुके हुए थे, अब सब पूरे हो जाएंगे। 10 साल में क्या किया इन्होंने, 10 साल क्या किए, 10 साल इसका मतलब इन्होंने काम नहीं किया, ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 10 अब काम पूरे हो जाएंगे। इन्होंने 10 साल में क्या किया, काम थे ना? इन्होंने किया क्या कि जो काम बचा है, बस इन्होंने महिलाओं का अपमान करवाया है, चल रहा था महिलाओं का, इन्होंने एक काम किया है बस, प्रधानमंत्री बनने के बाद एक काम किए हैं जो इतिहास में कभी नहीं सुना गया था, इन्होंने महिलाओं को नंगा घुमाया। हमारे हिंदू धर्म में रात को लाश नहीं जलाई जाती, किसी की बॉडी नहीं जलाई जाती, उस लड़की का रेप करवा के 3 बजे रात को मट्टी तेल, गन्ने का पत्ते, इन सब चीजों से उस लाश को जलाया गया 3 बजे रात को, हिंदू धर्म में नहीं है। लेकिन कुछ तो प्रधानमंत्री तो हर चीज अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ लोग वो तो कह रहे हैं ऐसी चुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं भाई, चुटपुट घटना जो लोग कह रहे हैं, अगर ये घटना उनके घर में घटे तो कैसा लगेगा, किसी की बहन बेटी के साथ हो रहा वो चिटपुट घटना है, किसी की बहन बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है, हजारों लोगों की भीड़ है, अरे मर जाओ भाजपा वालों, अंधभक्तों, शरम आनी चाहिए, तुम्हें जाके डूब के मर जाना चाहिए। चाहे देश का प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है कि जिस प्रधानमंत्री को शरम नाम की चीज नहीं है कि हमारे देश की बहन बेटी नंगी घुमाई जा रही है। सच बोल रहे हैं, उन्होंने बोला जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी राम को लाए थे, राम जी ने इनको दफा कर दिया, तो इनके राम जी कहने से खत्म हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि भगवान राम ने मोदी जी का हाथ छोड़ दिया, अब मोदी जी खत्म होने वाले हैं। अभी बैसाखी की जरूरत पड़ गई ना, अगले इलेक्शन में मोदी जी, अभी 6 महीने बाद देखना मोदी जी सफाया हो जाएंगे। मोदी जी का पैर, नीतीश कुमार तो पैर छू रहे हैं मोदी जी के, क्या पैर नहीं छुएंगे तो बात कैसे बनेगी भाई। अगर हमें किसी से कुछ करना है तो पैर तो छूना पड़ेगा ना। बिहार का इलेक्शन हो जाने दो, विधानसभा का अपने आप नीतीश जी इनकी औकात दिखा देंगे, वो जो बैसाखी की जरूरत है ना, बैसाखी 1 सेकंड में गायब हो जाएगी, मोदी जी मुंह के बल गिरेंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहां। लेकिन एक तरफ लेकिन मोदी जी देखिए, अब मोदी जी ग्रीन जैकेट भी पहनने लगे, हरे कलर की जैकेट पहन रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले भगवा पहनते थे, अब कपड़े चेंज नहीं कर रहे हैं,
मोदी जी फौज में जाते हैं फौजी का ड्रेस पहन लेते हैं, गुजरात में जाते हैं गुजरातियों का ड्रेस पहन लेते हैं, बिहार में जाते हैं बिहार का पहन लेते हैं, राजस्थान में जाएंगे राजस्थान, वो आदमी तो ये यहाँ तक बोलता है कि शायद मेरी माँ ने जन्म दिया, शायद मेरी माँ ने जन्म दिया। प्रकट हुए प्रकट प्रकट वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। हाँ, माँ का जो प्रधानमंत्री इतना बेशर्मी देश का प्रधानमंत्री कि अपनी माँ को गालियां देता हो कि शायद मेरी माँ ने जन्म दिया। अरे शर्म करो प्रधानमंत्री जी, पाला होगा तो ये क्या आकाशवाणी हुई थी जो ये टपके हैं? नॉन बायोलॉजिकल है ये, आकाशवाणी हुई थी। इनका घमंड भगवान ने दिखा दिया ने, जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे छोटा बच्चा बना के अयोध्या के अंदर ले जा रहे हैं, तो अयोध्या से बाहर हुए कि नहीं? अभी ये पूरा सत्ता से बाहर ने हाथ पकड़ तो लिया, वही विष्णु भगवान है, वही जगन्नाथ है, वही सियावर रामचंद्र है। इन गंवारों को, भाजपा के गंवार जो कहते हैं कि हम बहुत पुजारी हैं, हम बहुत भक्ति भाव, हम जा रहे हैं सन्यासी हैं, हम पूजा करने जा रहे हैं, तप करने जा रहे हैं, इन गंवारों को कौन समझाए कि वही विष्णु हैं, वही सियावर रामचंद्र जी हैं, वही जगन्नाथ हैं, ये किसको अलग अलग कर रहे हैं? मतलब अयोध्या में हार गए ना, मानेंगी ना विष्णु का अवतार तो मोदी जी, तभी तो उनकी औकात दिखा दी गई। अगर वो विष्णु के औकात हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उनकी औकात इस देश की जनता दिखा दी कि अब आप विकलांग हो, बैसाखी की जरूरत है, बैसाखी से चलो, ज्यादा उड़ान भरने की जरूरत नहीं। देखिए कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे गई, भाई थप्पड़ मार दिया एक सीआरएफ जवान ने, बहुत अच्छा किया। जो फौजी लड़की ने, जो लड़की ने थप्पड़ मारा, बहुत अच्छा किया। कंगना रनावत की औकात कि वो किसानों को जो अन्न पैदा कर रहे हैं, जो लोगों का पेट भर रहे हैं, जो सालों साल धरने प्रदर्शन पे अपना खा के अपने भूखे प्यासे बारिश में ठंडी में गर्मी में वहाँ प्रदर्शन में बैठे थे, उसको कह रही है 100-100 रुपए में बिकने वाली। कंगना रनावत की औकात, कंगना रनावत की औकात उसने दिखा दिया थप्पड़ मार के कि तुम्हारी औकात यही है। मतलब आप हिंसा को भड़काएंगी। ये नंगे नाच के उस लड़की ने जो वर्दी लिया था ना, कंगना रनावत जैसी नंगी पुंगी छोटे पुटे कपड़े पहन के नाच के सबको आकर्षित करके पोस्ट नहीं ली है, उसने मेहनत से ली है, सांसद में जीती हैं। किसानों को गाली पकेंगी? कंगना रनावत जैसी नाचने वाली किसानों को गाली पकेंगी? जीत गई तो गाली पकेंगी? राष्ट्रवादी महिला है आपसे भी ज्यादा। हाँ, तो ऐसी महिला थप्पड़ खाने वाली है। वो थप्पड़ मिला तो बहुत अच्छा मिला, अभी उनको और थप्पड़ पड़ना चाहिए। हिंसा तो नहीं भड़काएंगी आप? हिंसा का मतलब नहीं हुआ। अगर एक लेडीज बोल रही है कि देश हमारा आजाद अब हुआ है मोदी जी जब 14 में, एक हमारे देश की महिला महात्मा गांधी का, सरदार भगत सिंह का, जो इतनी मेहनत को अपमानित कर रही है कि देश हमारा 14 में आजाद हुआ, तो उसको थप्पड़ नहीं, उसके साथ न जाने क्या क्या होना चाहिए। मतलब आप ऐसे डरा रही हैं कंगना रनौत? डराने की क्या बात है भाई, एक थप्पड़ लगते ही बोली 47 में हुआ था देश आजाद। एक ही थप्पड़ में औकात में आ गई ना, तो दूसरा थप्पड़ लगेगा तो बोलेगी कि हाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। अरे राष्ट्रवादी महिला है, झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया। झांसी रानी को क्यों बदनाम करने में लगे हो तुम लोग इस बेशर्मी को? झांसी रानी एक महान रानी थी जिन्होंने इतिहास रचा है। ये नाचने वाली झांसी वाली की रानी के दर्जा दे रहे हो, इसके लिए तो माफ करो मीडिया वालों से भी मैं बोलती हूँ कि झांसी है नाचने गाने वालों को झांसी की रानी का दर्जा ना दो, इनकी जो दर्जा है इनकी औकात में ही रहने दो। गले लग रही थी जो मंत्री बने हैं चिराग पासवान, उनके गले लग रही थी, देखा नहीं आपने किस तरीके से? कंगना रनौत ये तो नाचती हैं तो भी गले लगती हैं, जीतती हैं तो भी गले लगती हैं, तो इनका नाचने गाने का गले लगने का काम है तो कौन सी बड़ी बात होगी? और देखा नहीं आपने एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी को एक गुलाब का फूल दे रही थी, तो यही सब करेंगी? ये जो काम शुरू से कर आई हैं वही तो करेंगी। वो बढ़ावा नहीं है, बढ़ावा नहीं है, एक हमारे देश की जो आन मान शान है, जो अपना खून पसीना बहा के अपनी मेहनत पे जाके उस पोस्ट पे तैनात है, ये नाचने गाने वाली कह रही है कि 100-100 रुपए में बिकने वाली है तो अपनी माँ का बदला ली, बहुत अच्छा है, ये बढ़ावा नहीं है। बढ़ावा तो भाजपा वाले करते हैं, कहीं रेप हुआ कोई बात नहीं, जवान लड़के हैं उनका मन फिसल गया है, बढ़ावा तो भाजपा वाले देते हैं। कंगना रनावत के साथ जो हुआ एक थप्पड़ में उनको याद आ गया ना कि 47 में देश आजाद हुआ था, अभी 2-4 थप्पड़ लगे तो उनको सब बढ़िया से याद आ जाएगा। फैन है कंगना रनावत के, अब बाबे ही लोग बनेंगे फैन और कौन बनेगा बताओ? बीबी बच्चे वाले फैन बन जाएंगे तो उनकी बीबियां लठ लेके पीछे पड़ जाएंगी, रड़ुए लोग फैन बनेंगे तो कम से कम उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो बाबा उनके फैन है तो बनने दो। अब देखा नहीं कंगना रनावत की जो तेजस मूवी आई थी, उन्होंने कहा था जो तेजस मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही है गद्दार है। जो कंगना रनावत को नहीं, हम तो नहीं देखते कंगना रनावत से, तो हमें एलर्जी है। जो देश के साथ खिलवाड़ करे, जो देश के साथ उल्टी सीधी बातें करे, वो कहाँ से हमारे देश का हुआ? हम नहीं पसंद करते। मंडी से जीत के आई हैं तो क्या हो गया? क्या हो गया? वही इस धरती पे जीती हैं, इससे पहले वहाँ कोई नहीं जीता था या कोई नहीं जीता है? नाचने वाले नाच के ही वोट मांगेंगी। झांसी की रानी लड़ाई करके देश की आजादी में लड़ाई लड़े थे,
इनकी तरह नाच के क्या भीख में मिली आजादी आजादी एक थप्पड़ में याद आ गया उनको, एक ही थप्पड़ लगते ही बोले 47 में देश आजाद हुआ था, एक ही थप्पड़ में याद आ गया। हमारे पहले प्रधानमंत्री पे भी सवाल खड़ा कर दिया था ना उन्होंने, तो प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला कि बापू जी को फिल्म के बाद लोग जानते थे। हाँ, उन्होंने तो ये भी बोला राष्ट्रपिता उनका नाम रखा गया, वो राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर थे, जिनको हम लोग गर्व से कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हाँ, ये लोग उल्टी सीधी बकवासें करते हैं। तो मोदी के पास कोई बातें नहीं है, मोदी के खानदान में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो अपने बाप दादा की हिस्ट्री आप लोगों से सुनाए, अपने किसी रिश्तेदार भाई संगी की हिस्ट्री सुनाएं कि हमारे चाचाओं ने हमारे दादाओं ने कुछ देश के लिए किया था। ये लोग अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, घुटना टेकने वाले, ये ऐसी ही बात उठांग पटांग की बातें करेंगे और क्या करेंगे बताओ। लेकिन उसके बाद कंगना रनावत को कई एक्टर कह रहे हैं आप अब इस पे भी मूवी बनाएं, देशभक्ति वाली मूवी बनाएं। उनके अंधभक्त हैं, जो उनके अंधभक्त हैं वो तो अंधभक्त कहते हैं कि हाँ हम गोबर खाएंगे। एक दिन आप देखी होंगी एक उनका अंधभक्त हकीकत में गोबर खा के दिखा रहा था कि उल्टी आ जाए देखने के बाद। ऐसे गंदे गंदे घटिया अंधभक्त इनके हैं कि जो गोबर खाने के लिए तैयार हैं। तो मोदी जी कुछ भी करें वो तो उनके लिए अंधभक्त, तो अंधभक्त वो तो कहते हैं मोदी जी हमारे पिता हैं, ये अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते, अपनी माँ को भी गालियां देने से बाज नहीं आते ये अंधभक्त कि मोदी को बोलते हैं हमारे पिता हैं। तो भाई और ये क्या कर सकते हैं बताइए।